हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स एवं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी के साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ हम डेली क्विज के माध्यम से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इसके साथ साथ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हम वहाँ अपडेट करते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र, जिसे इंग्लिश में इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले हम ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं। यह हमारे शरीर का वह भाग होता है जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। वे रासायनिक पदार्थ क्या हैं? एंजाइम एवं हार्मोन। तो इसी के आधार पर ग्रंथियाँ तीन प्रकार की पाई जाती हैं हमारे शरीर में। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और एक होती है मिश्रित ग्रंथियाँ। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में यह क्या होती हैं, इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें यह नालिका युक्त होती हैं, इसमें एंजाइम का स्त्रावण होता है। तो दोस्तों, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, एंजाइम का स्त्रावण होता है। एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियों जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, यह सभी क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये नालिका विहीन ग्रंथि होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नालिका नहीं पाई जाती, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, नालिका युक्त होती है, उसमें नालिका पाई जाती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम का स्त्रावण होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, हार्मोन का स्त्रावण होता है। एवं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हार्मोन्स निकलता है, वह क्या करता है, रक्त के प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, ये सभी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें क्या निकलते हैं, हार्मोन का स्त्रावण होता है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम का। और इसी के साथ ऐसे कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसमें एंजाइम एवं हार्मोन दोनों ही स्त्रावित होती हैं, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्नाशय, अग्नाशय क्या होता है, हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्त्रावण करते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर में पीयूष ग्रंथि एवं थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि एंड एड्रेनल ग्रंथि, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। आइए डायग्राम से देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो मस्तिष्क के आधार में, देखिए मस्तिष्क के आधार के मस्तिष्क में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहता है या मस्तिष्क में रहती हैं। एवं इसे सेल टर्सिका और मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एवं इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, और ये हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जो पीयूष ग्रंथि रहती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो एसटीएच हार्मोन एवं टीसीएच हार्मोन निकालती है। तो जैसे नाम सुनने से लग रहा है कि एसटीएच टीसीएच, ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। तो जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स में एस पहले आता है, फिर टी आता है, तो मतलब ये बढ़ते क्रम में है। तो इसी तरह एसटीएच हार्मोन क्या काम आता है, हमारे शरीर की वृद्धि के काम आता है, एवं हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण भी करता है। एवं टीसीएच क्या करता है, या थायराइड ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो थायराइड ग्रंथि हम आगे पढ़ने वाले हैं। थायराइड ग्रंथि, जिसे हम ऑटो ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड्स भी कहते हैं, यह हमारे शरीर में, देखिए हमारे गले के पास होता है। यहाँ हम डायग्राम की मदद से देख सकते हैं, ये देखिए थायराइड ग्लैंड, यह थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में जो सांस नली होती है, उसे जस्ट नीचे ही पाया जाता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है, वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। एवं जो इस थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्राव करती है, उसे प्रेरित कौन करता है, तो टीसीएच हार्मोन करते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन से। एवं हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, वो कहाँ होती है, सांस नली के जस्ट नीचे होती है। एवं थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, इसमें आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, एवं इसे इंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर कहते हैं। एवं जो हड्डियाँ, बाल आदि होते हैं, उनके विकास के लिए भी यह उपयोगी होता है। एवं पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करती हैं, जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, उनके साथ मिलकर हमारे शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। तो घेंघा रोग एवं हाइपोथायरॉइडिज्म, ये दो बीमारी हैं। तो घेंघा रोग आपने जरूर देखा होगा कि जिनको घेंघा रोग होता है, उनकी गले सूज जाती हैं। तो क्यों होती हैं, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, उनका आकार बहुत ही बढ़ जाता है। उनके जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, वो कहाँ होती है, हमारे गले के पास होती है। तो उनके साइज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारा गला निकल निकल देता है। तो ये किसकी कमी होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है।
एवं जो हाइपोथायरायडिज्म जो बीमारी है वह कैसी होती है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में लंबे समय तक उसी कमी होती है तो यह रोग हमें होता है एवं इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड ग्रंथि, जिसे पैरा ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। यह हमारे जो थायराइड ग्रंथि होती है जस्ट उसके पीछे ही पाए जाते हैं। तो यह रहा थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, इसका बैक व्यू है और यह नीचे उनका फ्रंट व्यू है। तो जो इससे निकलने वाला हार्मोन्स होता है वह हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होती है एवं इनमें दो प्रकार के हार्मोन स्थापित होते हैं। एक होता है पैराथायराइड हार्मोन, एक होता है कैल्सिटोनिन। जब हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है एवं जो रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो कैल्सिटोनिन होता है। एवं जब इन हार्मोनों के अनबैलेंस हो जाने पर हमारे शरीर में पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पथरी क्या होते हैं, तो पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट को पथरी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो यह कहाँ पाया जाता है, तो हमारी जो किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं इसे। यह इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है वह मनुष्य शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे क्या करता है, रक्तचाप को कंट्रोल करता है। एवं इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स भारी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं एवं अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। तो इसे बारी बारी देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं उसे कार्य देखेंगे, जिसमें पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। एवं जो मिनरली कॉर्टिकॉइड्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह जो वृक्क की नालिका द्वारा लवण की पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना होता है। एवं जो हमारे कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन होता है उसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। एक नोट वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग होता है। तो ये एडिशन रोग क्या होता है, यह जो कॉर्टेक्स होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल एक या दो सप्ताह ही जीवित रह सकता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए कॉर्टेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें दिक्कतें आने से क्या होता है, एडिशन रोग होता है। एवं जो एड्रिनल ग्रंथि होती है जिससे निकलने वाला जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडुला। मेडुला द्वारा जो स्रावित एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है वह क्या करता है, हमारे दिल धड़कन जो एकदम से बंद कर देता है उसे चालू करने का काम करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो अग्नाशय क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका, एक गामा कोशिका। जो बीटा कोशिका होती है उससे क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंसुलिन क्या है, तो आप कौन सा लेना, इंसुलिन एक हार्मोन होता है और इसी इंसुलिन की कमी से हमारे मधुमेह रोग होता है, मतलब शुगर की प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ आज का हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि आप कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है, तो किस में होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, तो कौन सी ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि, हमारे सांस नली के जस्ट नीचे होती है। मधुमेह किस हार्मोन के कम बनने से होता है, तो इंसुलिन। निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्थापित होती है, तो किस में होती है, तो बीटा कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय। अग्नाशय हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है जो एंजाइम एवं हार्मोन का दोनों का स्त्राव करती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो कौन करती है, तो पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से ये वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।